दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं खेल ढावा का यूट्यूब चैनल और मैं हूं नवीन चंद मनोज। विमेंस अंडर 19 वनडे ट्रॉफी में बिहार की एक और हार। आज के मैच में छत्तीसगढ़ ने बिहार को 8 विकेट से हराया। इस मैच में बिहार की ओर से केवल यास्ता सिंह ने अच्छी बैटिंग की, बाकी सारे खिलाड़ी फेल रहे। अकेली यास्ता सिंह क्या करती जब बाकी बैटर धीमी गति की बैटिंग कर पवेलियन लौटने को बेताब थी। छत्तीसगढ़ के गेंदबाजों को तो छोड़िए, सलामी बैटरों ने बिहारी गेंदबाजों की ऐसी खबर ली कि जीत के मुहाने पर पहुंचकर अपना विकेट गंवाया और इस तरह इस मैच में छत्तीसगढ़ ने बिहार को 8 विकेट से पराजित किया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के द्वारा आयोजित विमेंस अंडर 19 वनडे क्रिकेट टूर्नामेंट के पूल सी के दूसरे मैच में बिहार के खिलाड़ियों ने फिर निराश किया। बस यास्ता सिंह ने अपनी बैटिंग से सबों को खुश कर दिया। इस मैच में बिहार को छत्तीसगढ़ ने 8 विकेट से हराया। बिहार ने पहले खेलते हुए यास्ता सिंह के 84 रनों की मदद से निर्धारित 50 ओवर में 9 विकेट पर 151 रन बनाए। जवाब में छत्तीसगढ़ ने सलामी बैटरों यश्वर सिंह के 63 और मानश्री मौर्या के 49 रनों की मदद से 40.4 ओवर में 2 विकेट पर 152 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। कृति गुप्ता ने नाबाद 22 रन बनाए। बिहार की दोनों सफलता कुमारी निष्ठा की झोली में गई। टॉस बिहार ने जीता और पहले बैटिंग का फैसला किया। बिहार की बैटरों के क्या कहने, एक तरफ जहां यास्ता सिंह खूंटा गाड़ कर खड़ी थी, वहीं दूसरी ओर बाकी बैटर धीमी गति की बल्लेबाजी कर गेंदों को बर्बाद करते हुए स्कोर में थोड़ा इजाफा किया पर जल्दी जल्दी पवेलियन लौट गए। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि जितने रन अतिरिक्त से बने उससे 5 ज़्यादा रन बिहार के 9 बैटरों ने मिलकर बनाया। अतिरिक्त से कुल 31 रन बने और यास्ता सिंह को छोड़कर बाकी 9 बल्लेबाजों ने मिलकर 36 रन बनाए। कुल मिलाकर यास्ता सिंह के 84 रनों की शानदार पारी की बदौलत बिहार ने निर्धारित 50 ओवर में 9 विकेट पर 151 रन बनाए। मध्य प्रदेश के खिलाफ बिना खाता खोले पवेलियन लौटने वाली यास्ता सिंह ने आज जमकर बैटिंग की। उसने 93 गेंदों में 13 चौकों व 1 छक्का की मदद से 84 रन बनाए। अब नज़र डालिए बिहार के बाकी बैटरों के स्कोर पर। आराध्या राज ने 49 गेंद में 6, सोमना साकेत ने 42 गेंद में 5, श्रुति गुप्ता ने 21 गेंद में 4, हर्षिता भारद्वाज ने 22 गेंद में 9, आर्या सेठ ने 14 गेंद में 6, बदही यादव ने 6 गेंद में 0, कुमारी निष्ठा ने 19 गेंद में 3, कोमल आर कुमारी ने 14 गेंद में 3, रेखा कुमारी ने 15 गेंद में नवाद 0, बेबी रोजी ने 5 गेंद में नवाद 0 रन बनाए। छत्तीसगढ़ की ओर से ममता भगत ने 17 रन देकर 2, महक ने 22 रन देकर 2, अंजलि ठाकुर ने 23 रन देकर 2, यश्वर सिंह ने 25 रन देकर 2 विकेट चटकाए।